लगभग झपक थोड़ी लचक लचक आया मटक मटक मैंने दिया पटक ले पंगा ले और इस प्रकार से मेदिनीपुर मेदिनीपुर टी की ओर से भूगेल की ओर से पी और इस मरतबा भूगेल से पाला रेट डेप्टी रेट किया था मेदिनीपुर से तो टच का दावा किया है हालांकि स्वीकार किया टीम ने इस प्लेयर ने और यहां पर हाथी होका भरा था दो पॉइंट ले जाने का अंतिम समय में अपने आप को काफी तेज गति से ट्रेवल करते हुए निकले थे और यहां पर एक और मौका बनाया डिफेंडर ने इस मरतबा और पॉइंट ले गए अपने टीम के लिए बाहर नहीं है यार कसम से बाहर नहीं है यहाँ पर निष्पक्ष है हमारे अंपायर दोनों को एक एक पॉइंट दिया गया है हाथ से काम नहीं चलेगा बॉडी का कम से कम 50% हिस्सा अंदर में रहना जरूरी है या पैर पीछे रहे उस परिस्थिति में इस मरतबा भूगेल ने यहाँ पर रंग गवाया अच्छी वापसी करते हुए टीम मेदिनीपुर अच्छा डिफेंस इस मरतबा भूगेल 2 मेदिनीपुर 2 बराबरी की स्थिति 7-7 का यह मुकाबला कार्यकर्ता अगर ध्यान देंगे अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है पानी अच्छा हो गया है शायद दोनों साइड पार्टी में और जहां तक हो सके बोर को चालू कर दे ट्रक के लिए झाट फेंक दे इसको बिठा दो पूरा 7 साल के लिए ये तो मजा नहीं आए कबड्डी में हो गए ना तुम्हारे कहाँ हो अभी तक नंबर वो बहुत टाइम है ये मुकाबला लगातार जारी है मेदिनीपुर इस मरतबा बढ़त पर है शुरुआती दौर में निश्चित तौर पर पीछे गिर रही थी लेकिन अच्छी वापसी की दोनों बेहतरीन टीम बराबरी की टीम एक टक्कर का मुकाबला चलता हुआ शुरुआती 3 मिनट का खेल लगभग हो चुका है इसी के साथ एक और पॉइंट मेदिनीपुर को 11 रनों की बढ़ा तो जाने मारी टीम बेहतरीन टीमें यहाँ पर आपस में टकरा रहे हैं मेदिनीपुर ए और मेदिनीपुर बी दोनों ही संतुलित टीम इस टूर्नामेंट के कम से कम एक ही नाम लेने के लिए दोनों ही प्रबल दावेदार टीम एक और अंक मेदिनीपुर बेहतरीन खेल का नजारा मेदिनीपुर कर रही है अभी तक और इस मरतबा सी पोजीशन पर टेकल किया चारों तरफ से घूमकर आए थे प्लेयर और एक और अंक अपने नाम लिया गया था मेदिनीपुर के द्वारा अच्छी पोजीशन पर शुरुआती तौर पर निश्चित तौर पर 2 अंकों से पीछे रहती लेकिन उसके बाद भूगेल को संभलने का मौका ही नहीं दिया टीम मेदिनीपुर ने लगातार दावे कर रहे हैं एक और अपने टीम प्लेयर जीत करते हुए क्या बेहतरीन वापसी मेदिनीपुर ने भूगेल और मेदिनीपुर के मध्य 19 वर्षीय यह मुकाबला द्वितीय राउंड का यह मुकाबला इसके बाद मेदिनीपुर ए वर्सेज रूपापाली उसके बाद तृतीय मुकाबला गढ़पट्टी वर्सेज आपकी अपनी टीम आईजे टीम यंगस्टार पोटापारा उसके बाद प्रथम राउंड का एक मुकाबला होगा हम इसकी सूचना आपको 2 मैच पूर्व देंगे जो चौथा मैच होगा आज का वो प्रथम राउंड का मुकाबला होगा
दोनों आगे भी मतलब जोड़ी ठीक है, जोड़ी बहुत ही ठीक है, दोनों ठीक, दोनों ठीक। लगातार बेहतरीन बढ़त बनाते हुए 3-12 की स्थिति, फर्स्ट राउंड फर्स्ट हाफ का यह मुकाबला चलता हुआ। यह प्लेयर काफी बेहतरीन प्लेयर है, लगातार अपने टीम के लिए सही वर्क करते हैं। 4 के डिफेंस में इतना आसार रहता नहीं, काफी अंदर जाना रहता है। लगातार मुकाबला चलता हुआ 4-12 की स्थिति, 5 के डिफेंस में बोनस साफ रहेगा, काफी अंदर जाना पड़ेगा, इतना आसान रहेगा नहीं टीम मेदिनीपुर के लिए। लगभग फर्स्ट हाफ में 1 मिनट या उससे भी कम का समय, कोई मतलब नहीं है, अभी कुकरी भी चला रही है घर में, और रूपक वाली आपका मुकाबला है, इसके बाद गढ़पट्टी और कोटापारा। ओ अंकल बिना थे लगातार मुकाबला जारी है तो बेहतरीन टीम भूगोल और मेदिनीपुर। लगभग 5 मिनट का खेल शेष रह गए हैं, 7-15 मेदिनीपुर 15 भूकेल 7। इस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ₹3,000, द्वितीय पुरस्कार ₹2,000, तृतीय पुरस्कार ₹1,000 और चतुर्थ पुरस्कार ₹700 रखा गया है। हमें इस टूर्नामेंट को और तीसरा रेड दो डायरेक्ट दो रेड अगर लगातार एंट्री हो तो तीसरे रेड में रेडर का पॉइंट लाना ही रहता है, अन्यथा
वह आउट हो जाएगा। और इसी के साथ अच्छी पकड़, दोनों पैरों को जबरदस्त पकड़, अच्छा सपोर्ट मिला तो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अभी तक जो हमें सहयोग राशि प्राप्त हुई है, मैं उन समस्त दानदाताओं का सम्मान यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा। हमारे ग्राम पंचायत बिछा के सरपंच श्री राजेश गणत्या जी की ओर से 5,100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। हमारे हमारे जो कूड़ेकर स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है मिस्टर बलदेव मिश्रा, आपके ओर से 1,000 रुपए के सहयोग राशि प्राप्त हुई है। हमारे शाला समिति फोटो पारा की ओर से भी 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। देवांगन वस्त्रालय जो अभी अभी बंसूला में खुला है, आपके तरफ से भी 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत कूड़ेकर बिछिया हमें जो राशि की घोषणा की गई है, मैं उन घोषणाओं का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहूंगा। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर लगातार जारी है। भूकेल 10, मेदनीपुर 15, 5 अंकों का फासला, लगभग 3.25 मिनट का खेल बाकी। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो घोषणाएं हुई है, साबित पटेल की ओर से 2,000 देने की, हरिधर पटेल की ओर से 3,000 रुपए, यह एक इनाम है टोटल 8 इनामों में से। कोठरा पटेल जी की ओर से भी 3,000 रुपए एक इनाम देने की घोषणा की गई है। ब्रिजलाल साहब जी की ओर से भी 5,000 रुपए की एक इनाम राशि देने की घोषणा की गई है। कुशलाल पटेल जी की ओर से जो 2,000 रुपए यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार है 19 वर्षीय में, इसकी घोषणा की गई है, उनके द्वारा दिया जाएगा श्री कुशलाल पटेल जी की ओर से। कुमार पटेल जी की ओर से भी 1,000 रुपए की सहयोग राशि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दी जाएगी। जयपाल पटेल की ओर से 1,500 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे समस्त दानदाताओं का पुनः पुनः धन्यवाद। मैं उन तमाम दानदाताओं का पुनः नाम लेना चाहूंगा। श्री टोलो पटेल जी आपके तरफ से 500 रुपए, श्री अभन पटेल जी आपके तरफ से भी 500 रुपए, गजन पटेल जी 500 रुपए, मंगलदास साहब जी 500 रुपए, नवीन पटेल 500 रुपए, श्री देवलाल साहब जी आपके तरफ से 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। रघुनाथ साहब जी की ओर से भी 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। कुलमणि साहू जी की ओर से 500 रुपए की। बेहतरीन मुकाबला लगातार जारी है। एक और अंक और देखिए, पॉइंट पर नजर बढ़ा लीजिए, अंतिम लगभग 1.5 मिनट का खेल बाकी। 13-15 क्या गजब की ऑफ की है भूकेल ने। मेदनीपुर अंतिम समय में कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ती हुई मतलब है भूकेल को 3 अंक मिल जाएगा, लेकिन जाते जाते बोनस अंक प्राप्त कर लिया है। मुकाबला देखिए 16-16 लगभग 7 मिनट का खेल बाकी और मुकाबला बराबरी पर आ गया है। मुकाबला अब 500 रुपए उग्रसेन सिदार जी की ओर से 700 रुपए, रोहित सिदार जी की ओर से 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। विद्याधर पटेल की ओर से 500 रुपए से लगातार बेहतरीन मुकाबला। 1 मिनट से भी कम समय का मुकाबला बाकी। 17 अंक और यहाँ पर 16-11 यहाँ पर डिफेंस को देता है भूकेल के। क्या गजब की वापसी। अंतिम लगभग 44 सेकंड का खेल बाकी। 5 के डिफेंस में यहाँ पर टाइम पास करना चाहेंगे। वॉक लाइन को पास कर लिया है, डुअर डाई का कोई खतरा नहीं। यहाँ पर पूरे सेकंड खेलना चाहेंगे। स्कोर बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है नंदा स्कोर बोर्ड की ओर से। हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो कि अभी एक रेफरी के भूमिका में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार यह तीसरा साल है आपकी ओर से हमें सहयोग मिलता रहा है। देखते हैं जल्दी से जल्दी 1 पॉइंट लेकर भागना होगा या पूरा समय खेलेंगे तो 2 पॉइंट लेकर जाना होगा। देखते हैं, टाइम खत्म होने से पहले यह काम करना होगा। ओ यहाँ पर टाइम का दावा किया गया है और उसी के साथ
समय बचा थे फिर भी देखते हैं।